हेलो स्टूडेंट्स बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 51 है और ये 6th क्लास से 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं आप सभी के लिए है। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो SST की है, तो आपको यहाँ पर वर्कशीट नंबर 51 और SST की नोटबुक में इसमें करना है। तो यहाँ क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है और जो वर्कशीट की डेट है वो क्या दी गई है, 2 सितंबर 2020। तो ये आपको सारी चीज़ें आपकी SST की नोटबुक में ऊपर लिखनी है। उसके बाद समझते हैं अपनी आज की वर्कशीट। तो देखो यहाँ पर बच्चों बताया गया है, अपनी विरासत को समझिए। पहले तो हम समझते हैं विरासत क्या होती है। ऐसी चीज़ें जो हमें उत्तराधिकार में अपने पूर्वजों से मिलती हैं, मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो चीज़ें बनाई उन्होंने वो हमारे लिए छोड़ गई, तो वो क्या होती हैं, विरासत की चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है, कुतुब मीनार, हमने तो इसे बनाया नहीं है, जो हमारे पूर्वज थे या जो बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने इन चीज़ों को बनवाया है, लेकिन ये कहाँ है, हमारे भारत में ही है। इसको यूज़ कौन कर रहा है, देख कौन रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी विरासत है। तो आज देखते हैं, ये आपको एक लंबी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं कुतुब मीनार। तो यहाँ पर देखो कुतुब मीनार के बारे में क्या बताया गया है, इस 5 मंजिला इमारत, मतलब इसकी मंजिल कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5, इसकी कितनी मंजिल है बेटा, 5 मंजिल हैं। इसके निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसकी जो बनाने की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1193 में, 1193 ईस्वी में, और किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया था। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया, वो इसका कहाँ तक आधार, मतलब क्या होता है, जो सरफेस होता है, मतलब ये जो चीज़ें थी वो इन चीज़ों का ही निर्माण करवा पाया था, उसके आधार का निर्माण करवा पाया था। इसका उत्तराधिकारी कौन था, जो उसके बच्चे थे, तो उसके बच्चों में कौन था, इल्तुतमिश, जो उसका दामाद था। इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। देखो 1, 2, 3 यहाँ तक का निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, और किससे किया, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया। जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोजशाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया। और जो ऊपर वाली जो 2 बिल्डिंग, यहाँ छोटी छोटी जो 2 बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, ये इधर वाली और इधर वाली, ये 2 बिल्डिंग से इनका निर्माण किसने करवाया, फिरोजशाह तुगलक ने करवाया। और क्या क्या सामग्री उसने यूज़ की, संगमरमर एवं बलुआ पत्थर, इन 2 चीज़ों को मिक्स करके उसने बनवाया। लेकिन इल्तुतमिश ने कौन सी चीज़ मिक्स की थी, यहाँ पर एक ही चीज़ लाल बलुआ पत्थर से करवाया था, और फिरोजशाह तुगलक ने यहाँ 2 चीज़ों से इसका निर्माण करवाया, संगमरमर से और बलुआ पत्थर से। इसकी जो हाइट है, हाइट को हम किस में मापते हैं, मीटर्स में, तो इसकी जो ऊँचाई है यहाँ ज़मीन से लेकर और ऊपर तक कितनी ऊँचाई है, 73 मीटर इसकी ऊँचाई है। ये हमारा कुतुब मीनार का कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं अपनी अगली बिल्डिंग के बारे में कि जो अगली बिल्डिंग है वो क्या है और हमें क्या बता रही है। तो देखो ये है लाल किला। लाल किले में क्या बताया गया है, इसका निर्माण 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इसका कब से हुआ, 1639 से और 1648 तक, कई साल इसको बनाने में लगे। और इसका निर्माण किसने करवाया, बादशाह शाहजहां ने इसको बनवाना शुरू किया था, इसको बनवाया था जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय किया, कि जहां का वो राजा था उसने सोचा कि मैं अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लेता हूँ। तो उसने क्या किया, अपनी राजधानी को बदलने के लिए यहाँ पर दिल्ली में इसका निर्माण करवाया। और फिर उसने अपनी राजधानी कहाँ कर ली, आगरा में, ये आगरा से दिल्ली में लाल किले को अपनी राजधानी बनाया। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर, ये कहाँ है, यमुना नदी के तट पर है, और ये किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये देखने में भी लाल है इसलिए इसको लाल किला बोलते हैं। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय इसको जो बनाने वाले मिस्त्री थे वो कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है। इसको बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, ये उस्ताद अहमद लाहौरी हैं जिन्होंने इसको बनाया था। तो ये था हमारा लाल किला, हमने पढ़ लिया। उसके बाद अपनी अगली बिल्डिंग देखते हैं, हमारी अगली बिल्डिंग क्या है, इंडिया गेट।
इंडिया गेट के बारे में देखो, यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से 1921 के मध्य विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया था। जो इंडिया गेट है, इसकी शुरुआत कब से कब तक हुई, इसको बनाना 1914 में शुरू किया था और 1921 तक ये चलता रहा, बनता रहा। और विशेष रूप से ये क्यों बनाया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शुरू हुआ था, उसमें जो लोग, जो सैनिक थे, जो मर गए थे, शहीद हुए थे, और वो कौन थे, ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सेना के जवान थे, जो ब्रिटिश सेना थी उसमें भारतीय सेना के जो जवान थे उनके सम्मान में इसको बनाया गया था। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किया गया, इसकी शुरुआत की गई, लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद है 1971 से अमर जवान ज्योति, भारत के प्राण लिए प्राण न्योछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में प्रज्वलित रहती है कि 1971 से क्या हुआ, 1971 से अमर जवान ज्योति, जो एक ज्योत होती है हमेशा जलती रहती है, वो किसकी याद में जलती है, जो भारत के लिए जो सैनिक अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, जो सैनिक मर जाते हैं उनकी याद में, अज्ञात मतलब जिनका हमें ये पता नहीं है कितने सैनिक अब तक मर चुके हैं, उनकी याद में यहाँ पर ये सदा प्रज्वलित रहती है, हमेशा जलती रहती है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट। अब इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये भी देख लेते हैं। लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हमें क्या बताना है, लाल किले के महत्व के बारे में बताना है। तो लाल किला देखो, लाल किले का महत्व क्या है, ये एक 5 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसकी 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर से करवाया और अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोजशाह तुगलक ने संगमरमर और बलुआ पत्थर से करवाया। इसकी ऊंचाई कितनी है, 73 मीटर है। तो ये सारे क्या है, इसके महत्व हैं। ये सारे आपको महत्व में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसमें क्या क्या लिखना है, 5 मंजिला इमारत है, निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, इसकी 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया लाल बलुआ पत्थर से, और अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोजशाह तुगलक ने करवाया संगमरमर और बलुआ पत्थर से, इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। तो ये सारी बातें आपको उसके महत्व में लिखनी है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। जो अमर जवान ज्योति है वो कब से शुरू हुई थी, 1971 से शुरू हुई थी, 1971 से शुरू हुई थी, और ये किस लिए हुई थी, अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्योछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो ये क्या है, इसका महत्व है, ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद है कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। कुतुब मीनार को बनाने के लिए जो जो सामग्री यहाँ पर यूज़ हुई है उसके बारे में बताना है। तो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों सामग्रियों का इसमें प्रयोग हुआ इसको बनाने में। तो आपको क्या लिखना है, कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत, कि जब ये कोरोना महामारी जो चल रही है जब ये ख़त्म हो जाएगी, उपरांत मतलब बाद में, आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक, जो स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते हैं, आप पिछले साल भी पिकनिक गए होंगे, तो वहाँ पर जो पिकनिक लेकर जाई जाती है बच्चों को स्कूल के द्वारा, आप किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे, आप कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे, आपको अपनी पसंद के बारे में यहाँ पर लिखना है। वह आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखे और अपनी पसंद के बारे में लिखेंगे, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।